प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। आज की रात्रि में एक बार फिर से हम खुदावन को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें इस घड़ी तक संभाला है। उसके अनुग्रह के द्वारा हम सभी जीवित हैं और प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा, प्रभु के अनुग्रह से हम सभी भाई बहन इस समय प्रभु की संगति में आए हैं। प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि खुदावन का वचन कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का अनुग्रह हम पर हुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें मसीह यीशु में बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। और आज हम प्रभु को धन्यवाद दें और हर बात का धन्यवाद हमें करना जरूरी है क्योंकि हमारा प्रभु भला है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज की डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावंद इस सुंदर समय के लिए, इस रात्रि के लिए, इस पल के लिए पिता, जो खुदावंद आज आपने हमारे जीवन में दिखाया पिता। खुदावंद ईश्वर राजा, ये आपकी का अनुग्रह है पिता कि प्रभु जी आपकी करुणा सदैव हम पर बनी है। हम धन्यवाद देते खुदावंद और प्रार्थना विनती करते खुदावंद के आज के डेली डिवोशन में प्रभु जी, जबकि प्रभु जी अपने सेवकाई के लिए हमें बहुतायत से इस्तेमाल करते खुदावंद, हमारे में कोई योग्यता तो नहीं खुदावंद, लेकिन प्रभु जी आप ही का अनुग्रह पिता कि हम अपना जीवन खुदावंद आपकी सेवा में इस्तेमाल करने पाए पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर के एक लंबे अंतराल के बाद, दो हफ्ते के बाद, दो सप्ताह के बाद खुदावंद में आपके वचन को शेयर करने आ पाई हूँ, सिर्फ आप ही का अनुग्रह है खुदावंद। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावंद आज का वचन खुदावंद जो आपकी ओर से मुझे दिया गया है पिता, प्रभु जी आप मुझ में होकर बोले पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद जितने भी भाई बहन इस समय खुदावंद आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता, हर एक के जीवन को प्रभु जी आशीषित करना खुदावंद। आज का वचन खुदावंद हर एक के जीवन में प्रभु जी आशीष का कारण ठहरे, ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन के माध्यम से पिता परमेश्वर अपने आप को आपके अनुग्रह में बढ़ा सके पिता, और जैसा खुदावंद आप हमारे जीवन से चाहते पिता उसे हम कर सके पिता। पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद करना, पवित्र आत्मा आपकी सहायता हमारे जीवन में बनी रहे, खुदा का कलाम सीखने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर विशेष तौर से मैं अपने लिए खुदावंद प्रभु जी, मेरी देह प्रणाता प्रभु केवल खुदावंद आप ही का प्रभु जी कंट्रोल रहे, आप खुदावंद मेरे जीवन से बढ़े और मैं घटू पिता। पूरे आराधनाओं को, पूरे सेशन को मैं आपके हाथों में सौंपती खुदावंद, होने दीजिए पिता परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं खुदावंद वैसा होने पाए। पर जो हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले प्रभु की आराधना करें, प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। और हम जानते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता के रूप में हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए मेरे साथ इस गीत को आप गुनगुना सकते हैं, उसको धन्यवाद दे सकते हैं, उसके प्रेम को हम हमेशा याद रख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलती रहूं मेरे खुदा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम खुदावन को इस बात के लिए प्रार्थना विनती करें कि पिता परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार करता के रूप में इस पृथ्वी पर आया और उसने मेरे व आपकी खातिर अपनी जान दे दी, और उसके इस लहू के द्वारा, उसके इस कीमती लहू के द्वारा मैं और आप बचा लिए गए। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन जो प्रभु की ओर से हमारे लिए दिया गया है वो पाया जाता है
पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, मैं उनकी उसकी 8 पदों को आपके सामने पढ़ूंगी। और वहां इस प्रकार से लिखा है, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलिसिया के नाम जो कुरिन्थस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का ये अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ है, कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। प्रेज द लॉर्ड। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष रहो। तो आइए आज के इस पद पर हम कुछ देर तक मनन करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो कि हम इस पद को पढ़ा है हमने, उसमें हम ये पाते हैं कि पौलुस प्रेरित के द्वारा ये पत्र लिखी गई जो कुरिन्थस नगर की कलीसिया के नाम ये लिखी गई, और विशेष तौर से वहाँ पे सब लोगों के लिए इस बात को कहा गया है कि उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं, ये वचन उन सभी लोगों के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। और 8वें पद जो जबकि हम मनन करने जा रहे हैं कि वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें अंत तक यानी जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हो जाता तब तक वो हमें क्या करेगा, उस दिन तक हमें वो दृढ़ करेगा, और ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। अब हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि हम किस प्रकार से प्रभु के आने के दिन तक निर्दोष ठहराए जाएं। वहां पर इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, Who will sustain you to the end, guiltless in the day of our Lord Jesus Christ? कि हम प्रभु के आगमन तक, प्रभु के उस दिन तक जब प्रभु हमारे बीच में होगा, उसका दोबारा आगमन होगा, हम तब तक अपने आप को किस प्रकार से निर्दोष ठहरा सकते हैं, अपने आप को हम दोष से रहित बना सकते हैं, हम किस प्रकार अपने आप को पाप से बचा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदावंद चाहता है कि हमारा जीवन, हम सभी का जीवन, हम सभी जन उद्धार पाए। वो नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नाश हो, और इसके लिए प्रभु का वचन कहता है कि वो तुम्हें अंत तक दृढ़ करेगा, अंत तक वो हमें दृढ़ करके रखेगा। हम अपने आप से दृढ़ नहीं रह सकते, हम ये जानते हैं कि हम अपने ही सामर्थ्य के द्वारा अपने आप को दृढ़ नहीं रख सकते, और इसके लिए प्रभु ने हमें क्या दिया है, प्रभु ने वो पवित्र आत्मा हम सबको दी है, ताकि हम पवित्र आत्मा की सहायता से अपने आप को परमेश्वर के लिए निर्दोष बनाए रखें। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को निर्दोष, यानी कि हम पर कोई भी दोष ना लगने पाए। हालेलुया। हम पर दोष ना लगने पाए, क्योंकि प्रभु ही है, परमेश्वर ही है जो हमें अंत तक निर्दोष बनाए रखने में और हर प्रकार की परिस्थितियों में स्थिर रखने के लिए, दृढ़ बने रहने के लिए वो हमारी सहायता व हमारी मदद करता है। प्रेज द लॉर्ड।
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके तीसरे अध्याय के तीसरे पद में कि प्रभु सच्चा है। यानी प्रभु सच्चा किस प्रकार से, प्रभु का वचन सच्चा है, वो वायदों का परमेश्वर है, वो हमारा सहायक है, वो हमारा मददगार है, जो हमारी हर परिस्थितियों में हमारे साथ रहता है। प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर रहेगा करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वचन फरमाता है कि जब हम अपने स्वभाव में कमजोर पड़ जाते हैं, जब हमारे अंदर किसी प्रकार की निर्बलता आ जाती है, सिचुएशंस आने पर अनुकूल हमारी परिस्थितियां हमारे साथ नहीं रहती, जब वो परिस्थितियां जो हमारे विपरीत रहती है, जिसका हम फेस नहीं कर पाते, ऐसी परिस्थितियों में हम सब क्या हो जाते हैं, हम कमजोर पड़ जाते हैं, हम निर्बल पड़ जाते हैं, हमें अपनी सामर्थ पर तो भरोसा रहता ही नहीं, यहाँ तक कि हम परमेश्वर की सामर्थ को भी भूल जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य कमजोरी की हालत में, निर्बलता की हालत में पाप कर बैठता है। पाप हम इस प्रकार से भी कर बैठते हैं कि हम परमेश्वर की सामर्थ को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है, जो हमसे इतना प्रेम रखता है, उसने किस प्रकार से हम सबको पापों से बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए व आपके लिए उस क्रूस पर बलिदान कर दिया। हम भूल जाते हैं उस प्रेम को। ऐसी परिस्थिति में हमें वचन के द्वारा याद रखने की जरूरत है कि हमारा पिता परमेश्वर सच्चा है और वो ही हमें इन विपरीत हालातों में, हमारे पापी स्वभाव में, हमारे द्वारा की जाने वाली गलतियों पर भी परमेश्वर हमें स्थिर रखता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गुनाह हो जाता है या गलतियां हो जाती है, तो हमें उन गलतियों में रहने की, पड़े रहने की जरूरत नहीं। हमें क्या जरूरत है, हमें उठकर हमें परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि उसे ही अधिकार है हमें हमारे पापों की माफी के लिए। वो ही हमारे पापों को, हमारे उस बुरे स्वभाव को माफ कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु चाहता है कि हम दृढ़ बने रहें। हम हर एक परिस्थितियों में, चाहे वो हम उसका फेस करते समय निर्बल ही क्यों ना हो जाए, कमजोर क्यों ना हो जाए, हमारी सामर्थ्य, हमारी जो योग्यता है, हमारे अंदर जो बल है, वो क्यों ना घट जाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम हर परिस्थिति में क्या रहें, हम स्थिर रहें। और ये सिर्फ हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही कर सकते हैं, क्योंकि हम मनुष्य छोटी छोटी विपरीत हालातों में आकर भी क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और कमजोर होने पर हम परमेश्वर की तरफ नहीं जाते, हम मनुष्यों के पीछे दौड़ते हैं, उन पर डिपेंड रहते हैं कि वो हमारी मदद करें, वो हमारी सहायता करें। और ऐसे सोचने पर, ऐसे कार्य करने पर हम क्या कर बैठते हैं, हम गुनाह कर बैठते हैं, हम पाप कर बैठते हैं। ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सिर्फ वही है जो हमें दृढ़ करता है, वो ही है हमें हर परिस्थितियों में स्थिर रखता है। परेशानियां आएंगी, उन विपरीत हालातों का सामना तो जरूर करना पड़ेगा, लेकिन उनका सामना करने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ्य से भरता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ही है जो हमें अपनी सामर्थ्य से भरता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है कि परमेश्वर हमें पवित्र बनाना चाहता है, परमेश्वर हमें निर्दोष बनाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ और मेरा भेजने वाला पवित्र है। और कुलुस्सियों की पत्री में हम पढ़ सकते हैं, वहाँ लिखा है कि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर वो उपस्थित करना चाहता है, कि हम जब परमेश्वर का आगमन होगा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, जब हम उसके सम्मुख जाएंगे, तो हम सम्मुख जागने जब जाएंगे, तो अपने आप को कैसे हमें बनाना है, हमें निर्दोष बनाना है, निष्कलंक बनाना है, हमें ऐसा बनाना है कि हम पर कोई भी दोष ना लगाया जा सके। परमेश्वर के सामने जब हम उपस्थित हों, हमारे हम उसके समक्ष पवित्र रहें, निष्कलंक रहें और निर्दोष रहें। ऐसी परिस्थितियों में हमें किस प्रकार से अपने आप को इस स्वभाव में लाना है,
सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ्य, सिर्फ परमेश्वर के कलाम के द्वारा। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें हर प्रकार से निर्दोष बना सकता है, हमें पवित्र बना सकता है। परमेश्वर का वचन ही है जिसके द्वारा हम अपने आप को अपराधों से, पापों से बचा सकते हैं। जैसा कि भजन संहिता 119 अध्याय में दाऊद क्या कहते हैं कि तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रखा हुआ है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रेज द लॉर्ड। जब हम वचन को अधिकाई से पढ़ते हैं, जब वचन पर हम अधिकाई से मनन करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा दिलो दिमाग किसी भी विचारों में नहीं फंसता। हमारे दिलो दिमाग में कोई भी विचार, कोई भी ऐसे नेगेटिव विचार नहीं आने पाते जो हमें निर्बल करे, जो हमें हमारे विश्वास में हमें कमजोर करे। हम निर्बल तब होते हैं जब हमें वचन का ज्ञान नहीं होता, जब हम प्रभु पर भरोसा नहीं रखते। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पर भरोसा सिर्फ वचन के माध्यम के द्वारा ही हम कर सकते हैं। और आज हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी यही है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के कलाम को अधिकाई से नहीं पढ़ते। हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। और अंत तक दृढ़ रहने के लिए जब तक प्रभु का आगमन नहीं होता और बहुत सी परिस्थितियों को अपने सामने परिवर्तित होते हुए देख रहे हैं। आज भी हम उन सारे समाचारों को सुन रहे हैं, हम वो सारे समाचार, वो हेडलाइंस बनी हुई है जिसके दिन के हर एक के दिलो दिमाग में वही समाचार, वही न्यूज है कि आज क्या हो रहा है, आज क्या नहीं हो रहा। जबकि प्रभु ने हर परिस्थितियों को, हर घटनाओं को प्रभु ने अपने कलाम में हमें बता रखा है। सबसे खूबी हमारे पिता परमेश्वर की ये है कि उसने अपने लोगों को जो प्रभु के वचन को पढ़ते हैं उन सब के सामने आने वाली परिस्थितियों को, आने वाली सारी विपरीत सिचुएशंस को पिता ने वचन में हमें दिखा रखा है। क्यों दिखाया है? ताकि हम जो परमेश्वर के कलाम को पढ़ने वाले हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं, उन परिस्थितियों में रह कर हमें किस प्रकार से अपने आप को दृढ़ बनाए रखना है, किस प्रकार से हम परमेश्वर के दिन तक अपने आप को निर्दोष बना सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने आप को हम हर पापों से, हर गुनाहों से, हर संसारिक बातों से अपने आप को बचा सकते हैं। ये सिर्फ परमेश्वर का ही वचन है जो हमें अंत तक हमें दृढ़ रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है फिलिप्पियों की पत्री 2:15 में वह लिखा है कि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनो। हम निष्कलंक संतान बने। हम किसकी संतान है? हम परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर ने हमें अपने बेटे व बेटी होने का अधिकार दिया है। कोई माता पिता नहीं चाहता कि उसके बच्चे गलत स्वभाव में जाए, पाप में पड़े, गलत कामों में लिप्त हो। कोई भी माता पिता नहीं चाहता, तो हमारा स्वर्गीय पिता किस प्रकार से चाहेगा कि मैं और आप जो उसकी संतान है हम पर कोई दोष लगाए, हम पर कोई दोष लगा सके। दोष किस प्रकार से लगाया जाएगा कि आप इस बात को जानते हैं? दोष लगाने का मतलब ये है कि परमेश्वर का कलाम आज मेरे व आपके पास, परमेश्वर का कलाम होने के बाद भी हम गुनाह करते हैं, हम पाप करते हैं। और पाप सबसे बड़ी इस बात में करते हैं कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते तो हम पिता पर विश्वास नहीं करते। इसका मतलब हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। जबकि हम अपने मुख से कहते हैं कि हमारा पिता परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है, उसका वचन जो लिखा है उसका पूरा होना आवश्यक है। और इस प्रभु के हर वचन को हम पूरा होते हुए आज देख रहे हैं। हम देख रहे हैं ना इज़राइल के और दूसरे देशों के साथ जो हो रहा है, उन सब का नाम हमारे वचन में प्रभु ने पहले से लिखा है, लिख कर दिया है पिता ने। उन सभी वचनों को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना, अपने प्रभु के कलाम को,
पढ़ने में, उस पर मनन करने में, प्रभु की संगति में बने रहने के लिए हमें अधिक से अधिक समय देने की जरूरत है मेरे प्रियो। अपने आप को हमें निष्कलंक किस प्रकार से बनना है ताकि हम किसी प्रकार का पाप ना करें। प्रेज द लॉर्ड। तो यही तो वचन कहता परमेश्वर का कि तुम इस टेढ़ी और हटेली जाति के बीच में तुम जो रहते हो, तुम उनके बीच में रहकर निष्कलंक संतान बनो, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे हाथों में दिया हुआ है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम प्रभु का वचन लिए हुए जगत में चलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। जब वचन हमारे पास है, वचन आने के बाद भी यदि हम पाप करते हैं तो हम पर दोष लगाया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में टॉर्च है, आपके पास रोशनी है, उसके बाद भी आप अंधेरे में गिर जाते हैं तो दोष लगाया जाएगा कि लाइट आपके पास है तो भी आप अंधेरे में भटक रहे हैं। आज वचन हमारे पास है लेकिन आज भी हम अंधेरे में भटक जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि ना कलंक, ना छुरी, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। प्रेज द लॉर्ड। अभी कुछ दिनों पहले मेरे अंदर बस यही बात आ रही थी कि जब एक दुल्हा दुल्हन की जब शादी होती है और दुल्हन अपने संसारिक हस्बैंड के लिए, दूल्हे के लिए अपने आप को किस प्रकार से तैयार करती है, शारीरिक रूप से तैयार करती है कि किस प्रकार से वो सुंदर दिखाई दे, किस प्रकार की वो ड्रेस पहने। आजकल तो बहुत सारी चीजों को हम क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, और यहाँ तक कि उसको हम पहन कर भी ट्रायल लेकर उसको हम देखते हैं कि क्या चीज हम पर सूट करिए, किसमें मैं सुंदर दिखाई दे रहा हूँ या दे रही हूँ। हम इस संसार में रहकर संसारिक पति पत्नी या संसारिक दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए, एक दूसरे को सुंदर दिखाई देने के लिए हम शारीरिक रूप से अपने आप को तैयार करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम अपने उस आत्मिक दूल्हे के लिए क्या हमारी शारीरिक सुंदरता जरूरी है या आत्मिक सुंदरता? हमारा ध्यान सिर्फ शरीर को सुंदरता देने के लिए है। शरीर को सुंदरता सिर्फ मेकअप ही नहीं, शरीर की सुंदरता का मतलब है शारीरिक सारी वस्तुओं पर हमारा ध्यान बना रहता है। 24 घंटे हमारा ध्यान सिर्फ शरीर की चीजों पर ही ध्यान रहता है कि किस प्रकार से हमें खाना खाना है, कहाँ हमें घूमना है, हमारे घर में किन किन चीजों की जरूरत है और हम कैसे दिखाई दे रहे हैं। हमारा ध्यान सिर्फ शारीरिक सुंदरता पर, शारीरिक जरूरतों पर है। लेकिन मेरे प्रियो, अपने आत्मिक दूल्हा यानी प्रभु यीशु मसीह जब हमें लेने आएगा, उसके लिए कैसी तैयारी हमें करने की जरूरत है? उसके लिए तो हमें निष्कलंक बनना है, कोई झुर्री नहीं हो, कोई दाग ना हो। जिस प्रकार से एक संसारिक दुल्हन अपने आप को सुंदर बनाए रखने के लिए, संसारिक दूल्हा अपने आप को सुंदर बनाए रखने के लिए, आजकल तो दोनों ही अपने आप को सुंदर बनाने के लिए बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे चेहरे पर कोई दाग ना हो। अब सब देखते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है, जब वो हमें लेने आएगा, वो हमारे बाह्य रूप को नहीं, वो हमारी शारीरिक सुंदरता को नहीं, वो हमारी आत्मिक सुंदरता को देखना चाहेगा। तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसके लिए पवित्र बनेंगे, निर्दोष बनेंगे, न झुर्री होगी, न दाग होगी, तब लिखा है कि वो अंत तक तुम्हें वही दृढ़ करेगा। हर परिस्थितियों में कोई दाग हम पर लगने ना पाए, कोई हमारे हम पर झुर्री ना आने पाए। परमेश्वर का वचन आज ही कह रहा है कि वही तुम्हें अंत तक दृढ़ करेगा। जब तक प्रभु का दूसरा आगमन नहीं होगा, वही तुम्हें अंत तक दृढ़ करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में क्या बने रहो, निर्दोष ठहरो, कोई हम पर ब्लेम ना लगा सके। कि जो हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसके बाद भी यदि हम गलतियां करते हैं तो दोष लगाया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि आपके हाथ में टॉर्च होने के बाद भी, लाइट होने के बाद भी यदि आप अंधेरे में गिर जाते हैं तो गलती आपकी है। परमेश्वर ने टॉर्च के रूप में हमें कलाम दिया है ताकि इसकी रोशनी में हम चलकर प्रभु की
उपस्थिति में रहे, प्रभु के लिए हम निर्दोष बने रहे, प्रभु के लिए हम निष्कलंक बने रहे। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन हमें बहुत सीखने की जरूरत है मेरे प्रियो, और हमें ये बात भी सीखने की जरूरत है कि वचन होने के बाद भी हम पाप क्यों करते हैं, वचन होने के बाद भी हम परमेश्वर पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपने आप में पूरी रीति से आत्मिक तौर से हम दुर्बल हैं, निर्बल हैं, क्योंकि वचन बताता है कि आत्मा तो तैयार जब हो जाती है तो देह निर्बल बन जाता है, लेकिन आत्मा की को पोषित करने के लिए, शरीर को पोषित करने के लिए तो हम हर समय हमारा ध्यान रहता है कि किस प्रकार से उसको हेल्दी वेल्दी बनाया जाए, लेकिन अपनी आत्मा को हमें एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। जैसे मैंने बताया, सिर्फ हमारे शरीर पर ध्यान है, आत्मा पर नहीं। अपने पापों पर हमें विजय पाने के लिए, अपने बुरे स्वभाव पर हमें ओवरकम करने के लिए, अपनी सारी उन बुरी परिस्थितियों में और विपरीत हालातों पर ओवरकम करने के लिए हमें आत्मा को क्या करना पड़ेगा? एक्टिवेट करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें वचन को अधिक से अधिक पढ़ने की जरूरत है, परमेश्वर से अनुग्रह मांगने की जरूरत है, कि परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह में वही हमें दृढ़ करता है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वो कौन है? वो परमेश्वर है। परमेश्वर ही है जो हमें दृढ़ बनाए रखने में हमारी मदद करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। कौन कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है। क्या हम परमेश्वर के पास जाते हैं कि हमें कोई ठोकर ना लगने पाए? उन विपरीत हालातों में क्या हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? क्या हम वचन को पढ़ते हैं? हमें सबसे पहले इसी बात को जानने की जरूरत है मेरे प्रियो, कि हमें हर ठोकर से बचने के लिए अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में लाना जरूरी है, क्योंकि कोई भी परिस्थिति में हम किसी भी तरह पाप में पड़ सकते हैं, क्योंकि विरोध ही हमारे लिए तैयार है। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़े, वो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर लेता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में ना रहें, क्योंकि वो जानता है कि हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो उसके हर वार को हम फेल कर सकते हैं। हम हर परिस्थिति में परमेश्वर के वचन के द्वारा उस परिस्थितियों को, उन कमियों को, उन हालातों को, उन विचारों को जो नेगेटिव है, जो हमें निर्बल बनाती है, उसका हम खंडन कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमें अंत तक दृढ़ करेगा वो पिता परमेश्वर ही है जिसके पास हमें जाने की जरूरत है। सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सिर्फ मान लीजिए हमने आधा घंटा पढ़ा या एक घंटा पढ़ा और बाकी 23 घंटे हम परमेश्वर से दूर होकर संसारिक कामों में लगे रहते हैं, तो परमेश्वर के वचन का प्रभाव कितना हम पर पड़ता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। शांति से, यत्न करके शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। अब ये शांति सबसे पहले हमारे जीवन में है या नहीं, इसे हमें देखने की जरूरत है, क्योंकि यदि परमेश्वर, यदि प्रभु यीशु मसीह मेरे व आपके जीवन में है, वहां शांति ही शांति, क्योंकि वो शांति का परमेश्वर, वो शांति का राजकुमार, जिसके रहने से हमारे अंदर शांति बनी रहती है। यदि वो हमारे जीवन में है तो मेरे प्रियो, शांति सदैव हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे विचारों में बनी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। और शांति से ही हम हर एक परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हर परिस्थितियों में यदि हमें कमजोर बना रही है, हम प्रभु को आमंत्रित करें, हम प्रभु की उपस्थिति में रहे, हम प्रभु के हाथों को थाम कर रखें। मेरे प्रियो, उसने हमारे हाथों को तो जरूर थामा हुआ है, ये निश्चित है कि उसने हमारे हाथों को थामा हुआ है, इसलिए तो हम अभी तक जीवित है।
उसने हमारे हाथों को थामा हुआ है। हम हर एक परिस्थिति में हम दृढ़ बने हुए हैं, ये सिर्फ उसका अनुग्रह है। बस हमें यहाँ देखना है कि यदि उसने मेरे हाथों को थामा हुआ है तो मैं और आप क्यों ऐसी विपरीत हालातों का सामना कर रहे हैं। रीजन सिर्फ ये है, उसने तो मेरे हाथों को थामा है लेकिन हम अपने हाथ को उसके हाथ से निकाल लेते हैं। परमेश्वर का वचन जो हमारी ढाल है, जो तलवार है, जो हर विपरीत हालातों को हम उस तलवार के द्वारा, वचन के द्वारा फेल कर सकते हैं। परमेश्वर के इस वचन के अनुसार, जो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के दिन तक निर्दोष ठहरे, वो किस प्रकार से कि हम प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा ही हम अंत तक दृढ़ रह सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आय से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते खुदावंद ईश्वर राजा आज के समय के लिए, आज की रात्रि के लिए पिता, कि आपने एक बार फिर से खुदावंद मुझे योग्य ठहराया पिता परमेश्वर, कि मैं आपके वचन को आपकी सामर्थ के द्वारा, आपकी सहायता से पवित्र आत्मा शेयर कर पाई हूँ। मैं धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते खुदावंद ईश्वर राजा अपने तमाम भाई बहनों के लिए खुदावंद, जो इस समय आपकी उपस्थिति में है। हर एक को आशीष देना पिता परमेश्वर, आज का वचन खुदावंद ईश्वर राजा हर एक के जीवन में प्रभु जी भरपूरी से इस्तेमाल हो सके, क्योंकि खुदावंद ईश्वर राजा हम मनुष्य संसार में रहकर बहुत सी परिस्थितियों में कमजोर हो जाते हैं, लेकिन खुदावंद ईश्वर राजा आप ही का वचन है जो हमें दृढ़ करता है। प्रभु जी होने दीजिए कि आपकी सामर्थ के द्वारा, आपके आने के दिन तक खुदावंद हम अपने आप को आपके लिए पवित्र बना सके, आप हमारी सहायता करना। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, हर एक जन जो खुदावंद यहाँ उपस्थित है, हर एक की प्रार्थना विनती को स्वीकार करना पिता। यदि हम में से कोई कमजोर है, निर्बल है, बीमार है, या किसी परिस्थितियों से प्रभु जी कमजोर है पिता, हर एक को प्रभु जी आप आशीष देना, आपके अनुग्रह के द्वारा इन तमाम परिस्थितियों से खुदावंद हम निकलने पाए। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा आज की रात्रि के लिए हमें पैर मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से खुदावंद हम आपके नाम की महिमा कर सके, अपने जीवन से खुदावंद आपके नाम की गवाही दे सके, क्योंकि जो कुछ खुदावंद आज हम हैं प्रभु जी आप ही के अनुग्रह से। हम अपनी सामर्थ्य से, अपनी योग्यता से कुछ नहीं कर सकते जब तक खुदावंद आपकी सामर्थ्य, आपका अनुग्रह हम पर ना हो। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको जहाँ जहाँ ठहराया पिता, जिस जिस स्थान पर रखा है खुदावंद, वहाँ खुदावंद हम उस स्थान पर रहकर पिता आपके नाम की गवाही को दे सके। तो जब हम इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल संडे है और कल शाम को 6 बजे सिस्टर अरुणा पीटर जो बैतूल से है प्रभु के कलाम को हमारे बीच में बांटेंगी, और रात्रि 7 से 8 बजे बेबी सारा जॉन जो हर संडे परमेश्वर कलाम को लेकर आती है, आप इन दोनों के लिए अपनी प्रार्थनाएं में याद रखिए, और साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में रखें, ताकि हम सभी मिलकर जब तक प्रभु का आगमन नहीं हो जाता तब तक हम प्रभु के वचन में बने रहे, और क्योंकि प्रभु का वचन ही हमारे लिए ढाल है, हमारे लिए वो तलवार है जो अपनी हर विपरीत हालातों से हम लड़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।